आई थिंक थोड़ा चेंज करते हैं ना टीम कि अब जिसको मैं पहले बुलाना चाहती थी मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बाद में बुलाऊं ओके लेकिन मैं अब बुलाना चाहती हूँ अब जहांगीर को ओके जहांगीर मैं ये बोल रही थी मैं तब बुलाना चाहती हूँ जब मैं घर चली जाऊँ वालेकुम सलाम कैसी हैं आप ठीक ठाक कुछ लड़ने के यू नो जहांगीर इज ऑलवेज लड़ने के मूड में नहीं आज बिल्कुल आज यूर काम नहीं कोई कंप्लेन नहीं खुश हो अपने मेंटर्स से बिल्कुल खुश हूँ ओके उन लोगों से भी खुश हो बिल्कुल खुश उन लोगों से भी खुश हो बिल्कुल खुश हूँ चलो आप खुश अब फिलहाल आपसे भी खुश हूँ मैम मुझसे ओके अल्लाह हाफिज क्या कर रहे हो तुम आज सर एक्चुअली आई एम गोना ट्रिब्यूट टू बोहेमिया टू बोहेमिया यस सर व्हाई बोहेमिया एक्चुअली सर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की परसेप्शन क्रिएट हो रही है कि आई एम नॉट अ रैपर ठीक है सो आई हैव स्टार्टेड माय करियर मैंने जब ऑडिशन दिया था मैंने यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोला मैं यहाँ के खड़ा हुआ था तो मेरा पहला डायलॉग ये था कि आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट अगर तुम रैपर नहीं होते तो तुम यहाँ पे क्यों खड़े होते चलो लेट्स हियर इट लेट्स हियर इट एनफ टॉक छोटी सी उम्र में देखी मैंने दुनिया फर्स्ट टाइम एवर सुनया बोहेमिया ते जमी मैनू दुनिया ओदे कोलो सिखिया मैं म्यूजिक बनाना ओदे कोलो सिखिया ते स्वैग विच आना मैनू मेरे हाल ते छोड़ दो मैं सब तो बेगाना सरवा टोपा विद और वेदर देता फिर टीचर को स्वेलिंग का बहाना इक्वेशंस को रैप में फट से बनाना के कुड़िया फिदा मेरे तो मैं सब तो बेगाना मैं सब तो बेगाना के हर वारी नई धुन हर वारी बजे मेरा नया वाला गाना लेबल्स की खातिर इज्जत ना गवाना हाँ बदला सारा म्यूजिक और बदली सारी दुनिया लेकिन हमको अब भी बोहेमिया ही सुनना गाड़ी में लगा के फिर काली नाली शाराए फैसल के पट्टे पर निकलना कराची का लड़का राजा बना बैठा उत्ते कैलिफोर्निया छोटी सी उम्र में देखी मैंने दुनिया फर्स्ट टाइम एवर सुनया बोहेमिया ते लबे लगी दुनिया आई एम आउट ऑलराइट तो तुम्हें लगता है कि दिस परफॉर्मेंस दैट यू जस्ट गेव इज एनफ सर एक्चुअली मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करना चाह रहा था कि जो चीज थी ना मेरी तैयार मैं उससे ऊपर नहीं जाना चाह रहा था यहीं तक करना चाह रहा था उसके बाद मुझे पता है मेरा सफर खत्म अच्छा मैं तुमसे एक सवाल बाद में करूंगा बट लेट्स गो टू द अब्दुल व्हाट डू यू थिंक वो किसी काम का नहीं था मतलब एक्स्ट्रा था कहां शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है तुमने बीच में वर्स जो तुम्हारा फर्स्ट वर्स था वो तुमने अचानक बीच से स्टार्ट किया बीट पे उसका सही स्ट्रक्चर नहीं हुआ था वो अभी आपने सैर सर को बोला कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना चाह रहा था तो आप कंपटीशन में है ही क्यों क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक है सर आई एम सॉरी यू आर द गेस्ट हियर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला वर्ड नहीं था सर एक्चुअली मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा था एक्सपेरिमेंट भी आपको करना चाहिए आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आपको अपने साथ और अपने स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए थैंक यू सर यार मेरे ख्याल से बोहेमिया अगर तुम्हारा गलती से सुन लेना उसका मूड खराब हो जाएगा वो मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ यार अगर नहीं गा सकते नहीं गाओ क्यों सिंगर बनना है कौन से तुम्हें शौक हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे और तुमने इतनी अजीब बात की कि मुझे पता है इसके बाद मेरा सफर खत्म है सर एक्चुअली मैं खुद नहीं जज कर पा रहा जो मेरा जो मैंने आया था ना जो मैंने स्टार्ट लिया था मैं बोल रहा था मैं बहुत अच्छा करूंगा हाँ? मैं बहुत अच्छा करूंगा आई वाज रियली मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा था कि जहांगीर अब चांस मिला है कुछ करना है कुछ हाँ? करना है क्योंकि मेरे पास ये बहुत बड़ा इसके बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लाइफ के अंदर इतनी आसानी से किसी को तो आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ भाइयों मैं सबको एक ही बात बोलूंगा अगर कोई मेरी बात सुन रहा होगा कि भाई अपॉर्चुनिटी मिले टेक सीरियस मैंने सीरियस भी लिया मगर मैं कल डीमोटिवेट हो गया सर ये आपको सिखाएंगे ना आपको समझाएंगे आपकी गलती को खत्म करके अच्छा कर देंगे कि यार ये पार्ट मत गाओ अब इसको ये पार्ट गाना नहीं था तुमसे एक चीज नहीं हो रही तो जबरदस्ती नहीं करो मेरे से भी कभी कभी म्यूजिक्स वगैरह नहीं बनता तो मैं अपने जबरदस्ती नहीं करता मैं सर आई विल प्रूव माय सेल्फ इंशाल्लाह आई विल नॉट देयर मे बी दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म मैंने जो हरकत करी है उसके बाद मेरी जगह नहीं बनती बट मैंने रुकना नहीं है जब आप बात करते हो तो क्या सोच रहे होते हो होल्ड ऑन वन सेकंड प्लीज
One second, please. And try to understand this. यहाँ पर जितने लोग हैं ना, सबने तुमसे प्यार किया. Every one of us. अब क्या लगता है कि चार जुमले हम लोग सख्त बोल देते हैं तो वो इसलिए बोल रहे हैं because we don't love you guys, because we don't respect you guys, because we don't want you guys to, you know, आगे बढ़ो. आप कई मरतबा रेड जोन में आए, कई मरतबा आपको रेड जोन से निकाला. मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा. अगर तुम आज अपना बेस्ट नहीं दे सकते थे तो कब देने वाले थे? ये छोड़ो कि हम यहां पर जो छह लोग बैठ के क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, तुम्हें तुम पे बिलीव होना चाहिए ना. आई डोंट वांट टू सी अ कंफ्यूज यू हु इज थिंकिंग कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं या मैं नहीं हूं. तुम समझो, तुम जो हो ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट, तुम सब कुछ हो. बट गिव योर बेस्ट. लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि अपने आप की शक्ल से नफरत हो जाती है उनकी बातें सुन के. आपको 10 लोग मिलेंगे जो आपके मुंह पे कहेंगे कि आप बकवास हो, शायद कोई एक बोलेगा कि आप ठीक ठाक हो. तारीफ कभी हर कोई नहीं करता, अगर कोई बिलीव करने को चाहिए ना तो वो अपने आप को बिलीव करना चाहिए. यू डोंट हैव टू क्राई, यू डोंट हैव टू. पता है क्यों बुरा लगता है जब कोई जबरदस्ती गाने की कोशिश करता है? क्योंकि मुझे खुद बचपन से सिंगर बनने का शौक, और जब पहली दफा मैंने अपने आप को माइक पे रिकॉर्ड किया ना, आई कुडंट सिंग. लेकिन दिल टूटा, मैंने बहुत मेहनत करके वो माइक खरीदा था. पहली दफा मैंने नौकरी की थी सिर्फ वो माइक खरीदने के लिए, लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना, आई कुडंट सिंग. तुमने फैक्ट को वो किया ना. बट जब मैं बैठा वहां पे, फिर मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत करके मैंने ये माइक खरीदा है, इतने सालों से मेरे सपने, क्या मैं छोड़ दूं? फिर मैंने रैप ट्राई किया, मुझे रैप नहीं आता था. मैंने गाने बनाए, लोग हंसते थे, मेरे अपने कजन बोलते थे पागल हो गया, मेरे घर वाले बोलते पागल हो गया ये. वैसे लेकिन 2 साल मैं अपने कमरे के अंदर बंद रहा था. उसके बाद जो मैंने एल्बम निकाली ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बंदे ने आके मुझे बोला कि आप हमें गाना दो. सब बोलेंगे जब आपके ऊपर रोशनी पड़ेगी ना, आसपास अंधेरा होगा. सही है, जब तक तुम पे रोशनी पड़ेगी, एक लाइट पड़ेगी, आसपास अंधेरा होगा. अब तुम उस अंधेरे को देखोगे या तुम्हें रोशनी तुम्हारे लिए मैटर करेगी? बस ये हिम्मत नहीं हारनी भाई, लाइफ की किसी भी स्टेप पे. और तुम ना मुस्कुराते हुए अच्छे लगते, सही बात है. और जो आंखें यूं यूं करते और जब अम्मा से जब बात करो ना, वालदा से थोड़ा सीना मीना चौड़ा करके बात किया करो. माँ को दुख होता है बच्चों को ऐसे देख के. अच्छा एक बात आप सबसे कह रहा हूँ, तुमसे भी कह रहा हूँ, गलत चीजों के पीछे मत भागो. ये सारा कॉन्टेस्ट, ये सारा सब कुछ जो है ना, ये सब खत्म होने वाली चीज है. आप मुझसे पैसा ले लीजिए, मेरी शोहरत ले लीजिए, एक चीज आप मुझसे कभी नहीं ले पाएंगे, माय डिग्निटी. दैट रिमेन्स विद मी. और मुझे अपनी डिग्निटी के लिए किसी शो की जरूरत नहीं है, किसी शोहरत की जरूरत नहीं है, किसी इनाम की जरूरत नहीं है, किसी दाद की जरूरत नहीं है. I believe in God. आज के बाद जिंदगी से इस चीज को निकाल देना, तुम लोग भी और तुम लोग भी. हर आदमी इस जिंदगी से इस बात को निकाल दे, तुम्हें सिर्फ खुदा की और तुम्हारी अपनी जरूरत है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है. बेस्ट ऑफ लक टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. थैंक यू.